इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग कर रहे हैं पढ़ाई। और आपको मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि अब इस समय हम सबको मिलके जीत जानी है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। बिल्कुल सही आपने सुना, साल चल रहा है 2020 का, आप है क्लास 10th में और वक्त चल रहा है कोरोना। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि भैया कोरोना से तुम डरो ना, जब अमन सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को लेक्चर को देख के घर पे बैठ के पढ़ो ना। बिल्कुल सही, ये वीडियो लेक्चर हमारे ऑलरेडी क्लास 10th के बहुत ही प्यारे टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसके लेक्चर यानी उसकी सीरीज का एक कंटिन्यूड लेक्चर है। अगर आप उससे पूछो कि ये कौन से नंबर का लेक्चर है तो बिल्कुल बताना चाहूंगा। जो सबसे पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी इसके अलावा प्रेजेंट कर चुका हूं वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये हमारा सेकंड लेक्चर नहीं है। उसके बाद मैंने एक सेकंड लेक्चर भी दिया था जिसका नाम था ओम्स लॉ, ये हमारा तीसरा लेक्चर भी बिल्कुल नहीं है। मैंने तीसरा लेक्चर भी दिया था जिसका नाम था द न्यूमेरिकल लेक्चर, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को उस पार्ट 3 के लेक्चर में कवर किया गया। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको आगे की पढ़ाई के बारे में बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो मैं फटाफट से एक बार वर्बली बोल देता हूं कि अब तक हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन कि चैप्टर के अंदर क्या बातें हो रही है, दूसरा हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ, और तीसरा हम पढ़ चुके हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको ये तीन वीडियो लेक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठे होने चाहिए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्लास 10th का आज पहली बार, हाँ बिल्कुल सही, अगर आज पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है तो मेरी आपको सिंपल है गुजारिश कि भैया अभी आप इस वीडियो लेक्चर को मत देखो, पहले आप अपने तीन वीडियो लेक्चर्स को कर लो पक्का, उसके बाद लगाना चौथे वीडियो लेक्चर से आगे का धक्का। पहले आप अपने तीन लेक्चर्स को कर लो पक्का, उसके बाद आप लगाना इस चौथे वीडियो लेक्चर से इलेक्ट्रिसिटी को धक्का, फिर देखना कॉन्सेप्ट की हर एक कड़ी हो जाएगी आपके दिमाग में पक्का। तो विदाउट एनी डिले मैं बताना चाहूंगा हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर टिपिकली स्पेसिफिकली लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली एंड न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहा है रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। एक क्लास 10th के स्टूडेंट को ये बखूबी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस का बहुत सिंपल मतलब है किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को मिलने वाली रुकावट। और रेजिस्टेंस एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? किसी भी तार की। इसके अलावा हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं होती, होता वो भी तार का टुकड़ा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसका काम है सर्किट में करंट को रोकने का, उसका काम है सर्किट में करंट के लिए बाधा पैदा करना। तो रेजिस्टर डिवाइस का नाम है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी का नाम है। रेजिस्टर डिवाइस का नाम है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी का नाम है, और उसी रेजिस्टेंस से ताल्लुकात रखने वाली आज हम कुछ नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर्किट में हम जब भी करंट फ्लो करते हैं तो हमें कई बार ज्यादा रुकावट की जरूरत पड़ती है और कई बार कम रुकावट की जरूरत पड़ती है। एक बच्चा बोला ऐसा क्यों? अब मैं आपको एक सिंपल सी सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, आप खुद सोचोगे ऐसा क्यों। हमारे घरों में इतने सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, क्या सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बराबर के करंट पे काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। जितना करंट हमारे घर में गर्मियों के मौसम में एसी को चाहिए, क्या उतना करंट आपके घर में किसी नॉर्मल ट्यूबलाइट को चाहिए? क्या किसी नॉर्मल पंखे को चाहिए? क्या आपके नॉर्मल फ्रिज को चाहिए? पूरा 24 घंटे आपके घर में फ्रिज चलता है तो उस हिसाब से तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाना चाहिए था, लेकिन फ्रिज इतनी ज्यादा बिजली तो नहीं खींचता। लेकिन अगर आप पूरा दिन एसी चलाएंगे तो आपको अपने बिल में उछाल जरूर नजर आएगा। सर व्हाट डज दिस मींस? दिस मींस दैट एसी कंज्यूम्स लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी। एसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है,
इसका मतलब कि एसी अगर ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है तो उसके पास करंट को पहुंचाने वाली जो तार है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू उस तार में जो दूसरे किसी डिवाइस में कम करंट पहुंचा रही है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे घर में सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के पास पहुंचने वाला करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, तो किसी के पास ज्यादा जाता है, किसी के पास कम जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से तो पूरे घर में बराबर आता है। तो इसलिए हर एक सर्किट में, हर एक रास्ते में, हर एक डिवाइस के पास अपनी खुद की कुछ रुकावट होती है जिससे वो अपने पास आने वाले करंट को कंट्रोल करता है कि भाई देखो मुझे इतना चाहिए और इतना नहीं चाहिए, तो जितना नहीं चाहिए उतना मैं रोक दूंगा। अब सवाल आता है सर, चलो ये तो हो गया घर का डिजाइन, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की, यानी अगर हम डेलिबरेटली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमारे कंट्रोल में है सिचुएशन दो, एक रेजिस्टेंस को बढ़ाने की, एक रेजिस्टेंस को घटाने की, तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है और रेजिस्टेंस कैसे घटाया जा सकता है, वो ही चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी किसी भी सर्किट में रेजिस्टर्स को कैसे लगाया जा सकता है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। सुनो ध्यान से, किसी भी सर्किट में रेजिस्टर्स को कैसे लगाया जा सकता है ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो किसी भी सर्किट में रेजिस्टर्स को लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाओ या फिर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाओ। सीरीज का मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे साथ एक आदमी और खड़ा है, फिर एक आदमी और खड़ा है, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, ऐसे तीन चार आदमी खड़े। अब अगर ऐसे पांच लोगों को ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो मुझे बताना कि सामने से आने वाले इंसान को रोकना ज्यादा आसान होगा या डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू सिचुएशन नंबर टू। ये पहला आदमी, इसके पीछे दूसरा, इसके पीछे तीसरा, इसके पीछे चौथा। अब ये आदमी अगर यहां खड़ा है तो पीछे वाला इसके पीछे खड़ा है, पीछे वाला इसके इसके पीछे खड़ा है, और यहां से ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तो जो आदमी सामने से आ रहा है वो यहां से निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर उस आदमी को रोकने के लिए इसको यहां, 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 तो वो आदमी को कहीं भी रोका जा सकता है। तो जब रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। और जब रेजिस्टर्स को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कनेक्ट करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज पैरेलल कनेक्शन। ये आपको समझाने का एक तरीका है। इस तरीके से आपको समझ आए ये जरूरी नहीं है, मैं और भी नए तरीके अपनाऊंगा इस बात को क्लियर करने के लिए। फिलहाल टॉपिक शुरू कर रहा हूं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, बहुत ध्यान सुनना, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टर है उसका सिंबल क्या होता है। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये सिंबल है रेजिस्टर का, ये है रेजिस्टर का सिंबल, रेजिस्टर का सिंबल कहिए, या फिर आप इसे रेजिस्टेंस का सिंबल कहिए, या फिर आप इसे रेजिस्टेंस का सिंबल कहिए, या तो आप इसे रेजिस्टर कह लीजिए, या फिर आप इसे रेजिस्टेंस कह लीजिए, या तो आप इसे रेजिस्टर कह लीजिए, या फिर आप इसे रेजिस्टेंस कह लीजिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए। अब सवाल आता है सर, कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, एक जिसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन, एक जिसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, एक जिसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब होता है एक साथ, बहुत सिंपल बातों में समझा रहा हूं, एक साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स को, एक साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स को, एक साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स को अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, that is next to each other, that is next to each other lagana, that is next to each other lagana, then comes our next combination jise hum kehte hain parallel combination, ya simple shabdon mein kahun class 10th ke pyare pyare bachcho, parallel connection of resistors,
अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब होता है एक साथ, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स होता है एक साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स को, एक साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स को आगे पीछे लगाना, एक साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स को आगे पीछे लगाना। आगे पीछे मतलब कि एक आगे यानी कि फ्रंट एंड बैक लगाना। अब आपके सामने मैंने बोर्ड पे ये जो चीज लिखी है ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि एग्जैक्टली यहां चल क्या रहा है। अब मैं इंडिविजुअली पहले बात करूंगा सीरीज की, फिर बात करूंगा पैरेलल की दिखता कैसे। देखो सीरीज कनेक्शन में मैंने बात करी एक साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स को अगल बगल, अगल बगल का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये मेरा पहला रेजिस्टर है तो इसके बगल में ये मेरा दूसरा रेजिस्टर है, इसके बगल में मेरा ये तीसरा रेजिस्टर है, तो पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर। अब पहला रेजिस्टर कहता है कि मेरी रेजिस्टेंस आर वन, दूसरा रेजिस्टर कहता है मेरी रेजिस्टेंस आर टू, और तीसरा रेजिस्टर कहता है मेरी रेजिस्टेंस आर थ्री, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। साफ साफ दिख रहा है कि ए बी के बीच में टोटल तीन रेजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, अगल बगल कनेक्ट किया गया। इसी को कहते हैं सीरीज कनेक्शन, इसी को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। आओ बात करें पैरेलल कनेक्शन की। ये देखो ये मेरा पहला रेजिस्टर, ये मेरा दूसरा रेजिस्टर, ये मेरा तीसरा रेजिस्टर, इसे यहां लगाया, 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 और इस पॉइंट को ए बनाया, इस पॉइंट को बी बनाया, तार को मैंने आगे लेके गया और यहां पे एक सेल लगाया। नोटिस कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, यहां पे जब मैं सेल लगाऊंगा तो यहां पे एक सेल, एक बैटरी लग सकती है और करंट दौड़ेगा। यहां पे जब करंट दौड़ेगा तो वो करंट यहां से निकलकर बटेगा, बटेगा, बटेगा। यहां से जब करंट निकलेगा तो बटेगा नहीं, इसको भी वही मिलेगा, इसको भी वही मिलेगा और इसको भी वही मिलेगा, लेकिन इसमें करंट बटेगा। बट के मान लो यहां पे करंट था आई, आई का एक टुकड़ा गया आई वन, एक टुकड़ा गया आई टू, एक टुकड़ा गया आई थ्री, तो आगे भी कौन गया आई वन, आगे भी कौन गया आई टू, आगे भी कौन गया आई थ्री, तीनों मिलकर, तीनों मिलकर बन गए आई। तो बताओ निकला क्या था आई, लौटा भी क्या आई, बोलो बात समझ आई। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल। पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। आई होप आपको बातें समझ आ रही है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि सीरीज कनेक्शन दिखता कैसा है, पैरेलल कनेक्शन दिखता कैसा है। अब हम करने जा रहे हैं इंडिविजुअल डेरिवेशन, किस चीज की, यही कि जब सीरीज में लगाएंगे तो भाई आर वन तो अलग है, आर टू भी अलग है, आर थ्री भी अलग है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। यहां भी आर वन अलग है, आर टू अलग है, ये हमारे पास आर वन है, ये हमारे पास आर टू है, ये हमारे पास आर थ्री है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यही हम पढ़ने जा रहे हैं और यही हमें पढ़ना है। आओ शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक इस वीडियो लेक्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके दिमाग में आपको समझ आनी चाहिए, और इसी डेरिवेशन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये देखिए ये बहुत प्यारी डेरिवेशन है, आपको अपने दिमाग में बिठानी है। ये देखिए डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं जो बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं बच्चों, इस बात की गारंटी है कि जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये किसी भी किताब में मेंशन नहीं है, हाँ मेरे नोट्स में जरूर मिल जाएगा। तो जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो भविष्य में कभी भी मेरे नोट्स अपने तक मंगवा सकते हैं। जो लोग मेरे क्लासरूम में मुझसे डायरेक्टली पढ़ते हैं उन्हें तो वीडियोस के अलावा नोट्स का भरपूर फायदा।
फायदा मिलता ही है, लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूं ये उन सब बच्चों के लिए कह रहा हूं जो मुझसे डायरेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, रैदर YouTube पे डिपेंडेंट है, YouTube में मेरे से पढ़ रहे हैं, उनको भी मेरे द्वारा एक फैसिलिटी दी जा रही है कि मेरे द्वारा हर एक चैप्टर के प्रॉपरली बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मैं डिलीवर कर सकता हूं। तो जब भी आपको लगे कि आपको मेरे नोट्स की जरूरत है, आप मुझे मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं वीडियो लेक्चर के एंड में जरूर शेयर करूंगा, तब तक जो बातें हूं समझा रहा उनको देखो। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेरिवेशन को करते कैसे, इस डेरिवेशन में लिखना क्या है। तो मैंने लिखा टीचर टीचर, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीडर करते हैं इन विच थ्री रेजिस्टर्स, in which three resistors R1, R2 and R3 are connected end to end in a series connection through a cell of potential difference V, potential difference का मतलब आप सब लोग जानते हैं, and it sends the current I through the circuit as shown below। देखो जी देखो, समझो जी, जानो जी जानो, जो बोर्ड पे हूँ बता रहा उसको पहचानो जी पहचानो। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेल से। सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3। अब यहां से करंट निकला I, जो I यहां से निकला वही I यहां गया होगा, और वही I यहां गया होगा, वही I यहां गया होगा। अब सवाल आपके साथ, जब करंट सबको बराबर मिल रहा है, एक बच्चा बोला करंट सबको बराबर क्यों मिल रहा है, करंट तो अलग अलग मिल रहा होगा, क्यों अलग अलग मिल रहा होगा, एक रास्ता या अलग रास्ते है? एक ही रास्ता, इनका काम है उस करंट को रोकना, तो वो करंट यही रुक चुका है। ऐसा मत समझो कि यहां पे जो करंट रुका है यहां अलग रुका होगा, यहां अलग रुका होगा, वो करंट सबको भी बराबर गया, तो जो करंट रुक रहा है वो यहां पहुंच के रुक रहा है, जो करंट आगे जा रहा है वो यहां पहुंच के रुक रहा है, और जो करंट यहां जा रहा है वो यहां पहुंच के रुक रहा है। मतलब कि इनमें कुछ हीट जनरेट होगी, और वो जो हीट जनरेट होगी वो वही हीट है जो करंट की फॉर्म में लॉस हुई है। मतलब कि अगर आपने यहां पे 5 एम्पीयर आया तो 5 एम्पीयर यहां गया, लेकिन जब आप 5 एम्पीयर का करंट यहां नापने की कोशिश करोगे तो आपको 5 एम्पीयर नहीं मिलेगा, मतलब कि शायद 2 एम्पीयर रुक चुका होगा, तो बाकी का 5 एम्पीयर आगे गया, व्हाटएवर करंट वाज ट्रैवलिंग इसको पूरा मिला, इसने उसमें से 2 एम्पीयर वेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इसने 5 एम्पीयर में से 2 एम्पीयर खा लिया तो आगे वाले के लिए कम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 एम्पीयर सबको मिला भाई, मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपके दोस्त को भी 10 रुपए दिए, आपके पैके वाले दोस्त ने 5 रुपए खर्च कर दिए तो उसके पास 5 रुपए बचे, दूसरे वाले दोस्त ने 2 रुपए खर्च करे तो उसके पास 8 रुपए बचे, तीसरे दोस्त ने 10 के 10 रुपए उड़ा दिए, तो भाई मैंने तो सबको बराबर दिया था ना। Who am I? I'm the cell. Who are you? You are the ghost. Register. सबको बराबर मिला। आपने क्या बर्बाद किया और आपने क्या यूज किया वो आपकी प्रॉपर्टी है, समझ आ रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी है कि आप कितना करंट अपने पास रखोगे और कितना करंट आगे भेजोगे। तो जो आप आगे भेजोगे वो वही तो है जो आप नहीं रोकोगे, और जो आप रोकोगे वो कहीं तो जाएगा ना। व्हाटएवर करंट इज स्टॉप्ड बाय द रेजिस्टर इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए हमारे घरों में बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जब लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद उनके गर्म होने का डर सता सकता है। यही वजह है कि उन्हें ज्यादा करंट दिया जाता है, क्योंकि अगर उनका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा गर्म हो जाएंगे। अगर आपके घर में एसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना तो पूरा दिन गर्मी में एसी चलने के बाद गर्म हो चुका होगा,
उसको करंट ज्यादा चाहिए, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम है। लेकिन आपके घर में आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, आपके घर में बल्ब, आपके घर में इलेक्ट्रिक केटल, आपके घर में इलेक्ट्रिक गीजर, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई है। इनको जितना करंट देते हैं उसका 70% हिस्सा ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में लॉस कर देते हैं। तो भाई अपने को तो हीट ही चाहिए ना इलेक्ट्रिक केटल से, अपने को तो भैया हीट ही चाहिए ना इलेक्ट्रिक आयरन से, भाई अपने को तो हीट ही चाहिए ना इलेक्ट्रिक गीजर से, भाई अपने को तो हीट ही चाहिए इलेक्ट्रिक कुकर से, इन सब चीजों से अपने को हीट चाहिए। तो इनमें जो करंट हम भेजते हैं इनका रेजिस्टर उसी करंट को रोकता है और उसे रोककर हीट की फॉर्म में हमें देता है। मैं उस टॉपिक पे भी जाऊंगा, फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपको मेन मुद्दा समझा रहा हूं कि चल क्या है। ये चीज आपको समझ आ गई? अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा सवाल, अगर 10 रुपए आपने 3 लोगों को दिए और 3 लोगों को 10 रुपए देने के बाद पहले व्यक्ति ने 2 रुपए खर्च किए, 8 रुपए बच गए, तीसरे व्यक्ति ने 5 रुपए खर्च किए, 5 रुपए बच गए, तीसरे दूसरे व्यक्ति ने 5 रुपए खर्च किए, 5 रुपए बचे। सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो 3 दोस्त हैं, आपने पहले को 10 रुपए दिए, उसने 2 रुपए खर्च किए, 8 उसके पास बचे, तीसरे दूसरे दोस्त ने आपके 7 रुपए खर्च किए, 3 रुपए उसके पास बचे, और तीसरे दोस्त ने 10 रुपए में से 5 रुपए खर्च किए और 5 रुपए बचे। मेरा सवाल, मान लेते कि जो इन्होंने खर्च किया, क्या मैं कह सकता हूं वही उनका वर्क डन है? सिंपल सी बात है, जो ज्यादा गवा रहा है वही उसका काम है जो वो कर रहा है। यानी सर्किट में हर एक रेजिस्टर के द्वारा किया जाने वाला वर्क सेम नहीं है, क्योंकि हर एक रेजिस्टर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला और वेस्ट किए जाने वाला करंट भी सेम नहीं है। कोई ज्यादा करंट यूज कर रहा है, कोई ज्यादा करंट वेस्ट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि कितना करंट वो यूज कर रहा है और कितना करंट वो वेस्ट कर रहा है। तो अगर सपोज कीजिए कि किसी ने मामूली थोड़ा बहुत ही करंट इस्तेमाल किया और किसी ने ज्यादा करंट इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली बात है जिसने ज्यादा करंट इस्तेमाल किया इसका मतलब कि ज्यादा करंट को बहाने के लिए, ज्यादा करंट को बहाने के लिए ज्यादा वर्क डन हुआ होगा। जिसने कम करंट इस्तेमाल किया इसका मतलब यह हुआ कि उतने कम करंट को बहाने के लिए कम वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन सबका सेम नहीं है और उसी वर्क डन को हम कहते हैं वोल्टेज। इसका मतलब कि हर एक रेजिस्टर की वोल्टेज सेम नहीं है। तो सीरीज कनेक्शन में एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल सही, बोर्ड पे देखो, मेरे बोलने के बाद आपको नजर आ जाएगी। सीरीज कनेक्शन में एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो कि सीरीज कनेक्शन में या सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफर करती है। देखो मैंने यहां पे हर रेजिस्टर का वोल्टेज प्रकट हो गया, यहां पे इसकी वोल्टेज V1 पैरेलल में। हमेशा याद रखना वोल्टेज को पैरेलल में नापा जाता है, वोल्टेज को पैरेलल में नापा जाता है, वोल्टेज को पैरेलल में नापा जाता है। तो वोल्टेज पैरेलल ऑफ रेजिस्टर, वोल्टेज पैरेलल ऑफ रेजिस्टर, वोल्टेज पैरेलल ऑफ रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर का करंट किए जाने वाला इस्तेमाल नहीं है सेम, लेकिन हर एक रेजिस्टर को मिले जाने वाला करंट है सेम। इस्तेमाल किए जाने वाले करंट के अनुसार डिटरमाइन होता है उसका वर्क, इसलिए हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं है सेम। दोबारा सुनो, सीरीज कनेक्शन में हर रेजिस्टर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला करंट नहीं है सेम, लेकिन सबको मिलने वाला करंट है सेम। क्योंकि इस्तेमाल किए जाने वाला करंट नहीं है सेम, रुकावट है ना, रुकावट है ना, क्योंकि इस्तेमाल किए जाने वाला करंट नहीं है सेम, रुकावट है ना, रुकावट है ना, क्योंकि इस्तेमाल किए जाने वाला करंट नहीं है सेम, इसलिए वोल्टेज सबकी है डिफरेंट, वर्क डन सबका है डिफरेंट। इसलिए अपने दिमाग में बैठा लो कि सीरीज कनेक्शन में हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफर करती है बट हर रेजिस्टर का करंट सेम होता है। तो देयरफॉर वी मे राइट V net मतलब नेट वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज पहले वाली, वोल्टेज दूसरे वाली और वोल्टेज तीसरे वाली। अब देखो क्या मैं इस वी नेट को लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR। अगर V is equal to IR तो वी नेट की जगह I net multiplied by R net is equal to V1 की जगह I into R1 plus I into R2 plus I into R3। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V is equal to IR, तो इसका करंट कितना I, इसका रेजिस्टेंस कितना R1, तो इसका गिवन कितना
आयन। इसका रेजिस्टेंस कितना आर टू, इसका करंट कितना आई, तो इसका वोल्टेज कितना आई आर टू, इसका रेजिस्टेंस कितना आर थ्री, इसका करंट कितना आई, तो इसका वोल्टेज कितना आई आर थ्री। अब देखो हम लिख सकते हैं कि आई नेट मल्टीप्लाइड बाय आर नेट, आई को बाहर बुलाया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हमने पाया, आई से आई को काटा, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्स आउट टू बी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। व्हाट डज दिस मींस? दिस सिंपली मींस कि जब भी रजिस्टर को सीरीज में लगाया जाता, दिस सिंपली मींस कि जब भी रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाता तो टोटल रेजिस्टेंस को एल्जेब्रिकली ऐड करके है पाया जाता। मतलब अगर एक सर्किट में 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, तो 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 2 ओम, 5 और 4 9, 9 प्लस 2 11 ओम is going to be the total resistance, is going to be the total resistance, is going to be the total resistance। यानी इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, साफ साफ शब्दों में कहूंगा, कंक्लूजन निकलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, कंक्लूजन निकलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम, इज ऑलवेज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल, इज ऑलवेज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। घूर लो, देख लो, मन में कुछ सवाल, मचा लो पूरा बवाल, कॉफी पेन अगर लेके हो बैठे तो इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये डेरिवेशन इस तरीके से मेरे नोट के अलावा एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से नहीं है जिस तरह से मैंने बताया है, बट आ गया उसे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा और शायद किसी दूसरी किताब में भी ना मिले, लेकिन यहां मिल रहा है तो फायदा उठा लो। बोर्ड पे जो लिखा है उसे अपनी कॉपी में लिख डालो ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली क्लास में चल क्या रहा है। ये बहुत प्यारी डेरिवेशन है जो आपके दिमाग में आपको समझ आनी चाहिए और बहुत जल्द मैं इस डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊंगा। न्यूमेरिकल समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज का वीडियो लेक्चर सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को समझाने का लेक्चर था, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल तो दे ही देता हूं, एक एग्जांपल तो दे ही देता हूं, आइए एक एग्जांपल दे ही देता हूं कि एग्जैक्टली मैं आपको बताना हूं क्या चाह रहा, एक एग्जांपल तो मैं आपको दे ही देता हूं कि एग्जैक्टली मैं आपको बताना हूं क्या चाह रहा, एक एग्जांपल तो मैं दे ही देता हूं कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या हूं बताना चाह रहा, देखते हैं कि क्या आपको समझाने के बाद समझ आ रहा। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है, साफ साफ पता चल रहा है, और लेट अस से कि इसे मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, इस सेल का जो वोल्टेज है, इस सेल का जो वोल्टेज है लेट अस से वो है 200 वोल्ट, और इसको जो वोल्टेज मिला वो मिला V1, इसको जो वोल्टेज मिला वो V2 मिला, इसको जो वोल्टेज मिला वो V3 मिला, और मान लेते हैं कि यहां से जो करंट निकला, सुन लो ध्यान से, पहले सुन लो ध्यान से, यहां से जो करंट निकला वो लेट अस से 10 एम्पीयर है, कितना है 10 एम्पीयर, और R1 की वैल्यू है लेट अस से 5 ओम, R2 की वैल्यू है लेट अस से 10 ओम, और R3 की वैल्यू है लेट अस से 15 ओम। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया इसको हटा देते, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी V नेट होगा, जो भी V नेट होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, तो ये हम पहले से ना बताकर डिटरमाइन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आया फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस, एंड वोल्टेज अक्रॉस each resistor and voltage across each resistor, हमें total resistance निकालना है और voltage निकालनी है across each resistor, तो देखो using Ohm's law V is equal to IR and using the formula of net resistance
सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू, क्या कह रहे हो, खुद से करना चाहते हो कर लो, रोक कर रहा है, वीडियो को पॉज मारो, अपने आप करो, हम भी कर रहे हैं आप भी करो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन हमारे पास कितना है 5 ओम, आर टू हमारे पास कितना है 10 ओम, आर थ्री कितना है 15 ओम, 5 और 10 15, 15 ओम प्लस 15 ओम टोटल 30 ओम, बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर हुआ, ये आ गया रेजिस्टेंस। अब निकालते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस इसमें V1 इज इक्वल टू आई आर वन, तो V1 इज इक्वल टू आई, आई कितना है, आई कितना है, आई कितना है, आई है 10, आर वन कितना है, आर वन है 5, तो आ गया 50 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, तो V2 में आई कितना है, आई है हमारे पास 10, R2 कितना है, R2 में 10, कितने हो 100 वोल्ट, ठीक है, आ जाओ V3 हमारे पास कितना है, V3 हमारे पास है आपका, हमें निकालना है I इंटू R3, I हमारे पास कितना है 10, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास कितना आ गया 15, तो कितना आ गया 150, तो हमारे पास ध्यान से देखो ये 150 प्लस 150 मिलाकर कितना आ गया 300 वोल्ट, तो 300 वोल्ट इज गोइंग टू बी द नेट वोल्टेज एंड 50 वोल्ट इज द इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस R1, 100 वोल्ट इज द इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड 150 वोल्ट इज द इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस R3, ध्यान से देखो यहां साफ-साफ पता चल रहा है, देखो यहां पे वोल्टेज ज्यादा किसके अक्रॉस आ रही है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब कि वोल्टेज का अनुमान ऑन द बेसिस ऑफ रुकावट हो रहा है, जो ज्यादा करंट रोक पाएगा समझो उसने ज्यादा काम किया, जो कम करंट रोक पाएगा समझो उसने कम काम किया, तो काम का अनुमान हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि किसने कितना करंट रोका, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके द्वारा काम भी ज्यादा होगा, जिसके द्वारा काम भी ज्यादा होगा उसकी वोल्टेज समझो ज्यादा होगी, यानी रेजिस्टेंस अगर है ज्यादा तो इसका मतलब कि उसके द्वारा वर्क डन हुआ है ज्यादा, व्हाटएवर चार्ज हैज बीन लॉस्ट, जो भी करंट गया है वो हीट की फॉर्म में ज्यादा किया है, तो उसका मतलब ज्यादा वर्क डन हुआ है, उसकी वोल्टेज ज्यादा है, यही वजह है कि आपके घर में चलने वाला एसी, यही वजह है कि आपके घर में चलने वाला गीजर, यही वजह है कि आपके घर में चलने वाला इन्वर्टर इलेक्ट्रिक आयरन, यही वजह है कि आपके घर में वाली इलेक्ट्रिक केटल, ये सब कुछ लाइट जाने के बाद इन्वर्टर में नहीं चलती, लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पे नहीं चलती, क्योंकि इन सबकी वोल्टेज है ज्यादा, क्योंकि इन सबकी वोल्टेज है ज्यादा, इसलिए इनके काम का है इरादा काम ज्यादा कर रहा था, तो इन्वर्टर से उतनी वोल्टेज नहीं आती ना भैया, जितनी वोल्टेज सरकार दे पाती है, बोलो बातें समझ आती है, आई होप स्टूडेंट इतना समझ आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैंने समझाया। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर और इस वीडियो की आखिरी डेरिवेशन की ओर, जिसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। बिल्कुल सही आपने सुना, हम जो अब करने जा रहे हैं उसे कहते हैं डेरिवेशन। सुन लीजिए ध्यान से, डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें करंट बट जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पैरेलल कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें करंट बट जाता है, तो मैंने यहां पे लिखा लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टर R1, R2 and R3 such that they all are connected in parallel, such that let us consider three resistors R1, R2, R3 such that they all are connected in parallel, in parallel across a cell of voltage V that gives out current I In the circuit shown below, समझने की हो इच्छा तो सब समझ आता है, इसलिए देखो भाई मान लो ये मेरा पहला रेजिस्टर, ये मेरा दूसरा रेजिस्टर, ये मेरा तीसरा रेजिस्टर। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो एक ट्रिक है,
सीरीज कनेक्शन में एंड टू एंड जुड़ते हैं, पैरेलल कनेक्शन में सबका राइट वाला हाथ, राइट वाला हाथ, राइट वाला हाथ नजर आता एक साथ, सबका लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट वाला हाथ नजर आता एक साथ, इसलिए राइट वाला हाथ, राइट वाला हाथ, राइट वाला हाथ जुड़ जाता एक साथ, लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट वाला हाथ जुड़ जाता एक साथ, पहला वाला रजिस्टर आर वन, दूसरा वाला रजिस्टर आर टू, तीसरा वाला रजिस्टर आर थ्री, ये कनेक्ट हुआ यहाँ पे, ये कनेक्ट हुआ यहाँ पे, और यहाँ से मान लीजिए करंट निकला आई, ऊपर गया आई, इधर भटके गया आई वन, इधर भटके गया आई टू, इधर भटके गया आई थ्री, आगे जब जाएगा नीचे भी आएगा, आगे जब जाएगा आगे निकल जाएगा, इधर जब जाएगा ऊपर चढ़ जाएगा, चढ़ के इधर उतर के इधर लौट के आई, लौट के आई, बोल बात समझ में आई, आई आई, ये चीज हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन आप नोटिस करो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के क्रॉस एक ही वोल्ट मीटर लग सकता है, एक ही वोल्ट मीटर लग सकता है, एक ही वोल्ट मीटर लग सकता है, ऐसा क्यों? वाई वाई वाई, क्योंकि भाई सबको करंट यहां पे अलग मिल रहा है, सबको करंट यहां पे अलग मिल रहा है, लेकिन सबके सब सेम टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन में टर्मिनल्स अलग थे, हर टर्मिनल पे काम अलग हो रहा था, यहां पे दो ही टर्मिनल है पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्या ऐसा हो सकता है कि पॉइंट ए पे 50 वोल्ट है और पॉइंट बी पे 100 वोल्ट है एक केस में, और दूसरे केस में पॉइंट ए पे 50 होता है पॉइंट बी पे 200 हो जाए, ऐसा कैसे? वही दो तो पॉइंट है, तो दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज अक्रॉस द टू पॉइंट्स इन द कंडक्टर, हियर देयर आर ओनली टू पॉइंट्स, सिर्फ ये दो, तो इसके अक्रॉस तो एक ही वोल्टेज मिलेगी, सीरीज कनेक्शन में तीन पॉइंट्स थे R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस, R3 के क्रॉस, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में तीनों के क्रॉस दो ही पॉइंट है, तो दो पॉइंट पर एक ही वोल्टेज मिलती है, इसलिए दिमाग में बिठा लो, इसलिए दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, क्या बिठा लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दिमाग में बिठा लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट, करंट बट जाता है, करंट बट जाता है, बट हर रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के अक्रॉस, हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहती है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहती है, दैट इज वी रिमेन सेम फॉर ईच रेजिस्टर फॉर ईच रजिस्टर, ये बात आपको समझना चाहिए, इसलिए टीचर देयरफॉर आई नेट इज इक्वल टू पहले वाला आई, दूसरे वाला आई, तीसरे वाला आई, आई भाई बात समझ आ गई आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, or we can say that I is equal to V by R. अब देखो, यहाँ पे जो करंट गया वो क्या गया? I1. तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? V बटा R1. तो I net is equal to I1 निकला V बटा R1. ये आपको समझ आना चाहिए. I net है आपको. तो V बटा R1. Clear होगी बातें? Clear बताओ ये बातें. आपको समझ आना चाहिए. Then comes I2. V बटा R2, I3, V बटा R3, यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ये देखिए I net is equal to V, सबका V कॉमन निकाल लिया, इसे बोला V net, क्योंकि सबका V जो है वो V net ही है, V net मतलब यहां से आ रहा है, यहां से जो आ रहा है V net, वही ये वाला V है, तो V net ब्रैकेट में 1 upon R1 पहले वाला, 1 upon R2 पहले बार वाला, 1 upon R3 बार वाला, इस I net की जगह वापस लिख सकता हूं V net upon R net is equal to V net bracket में 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 cancel cancel teacher 1 upon resistance in parallel R net को मैंने R3 क्यों लिख दिया क्योंकि भैया वो जो net combination में निकाल रहा हूँ parallel में तो निकाल रहा हूँ parallel में तो निकाल रहा हूँ parallel में तो निकाल रहा हूँ तो 1 upon RP is equal to 1 upon R पहले वाला 1 upon R दूसरे वाला 1 upon R तीसरे वाला बोलो कोई doubt आला
सवाल आता है सर आपने समझा क्या दिया? सुनो मेरे ध्यान से, देखो पहले मन की तसल्ली करो, पहले देख लो कि चल क्या है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टर्स को एंड टू एंड लगाया था, पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स को एंड टू एंड नहीं लगा रहे, दो ही पॉइंट्स के बीच में ऊपर नीचे लगा रहे। सीरीज कनेक्शन में करंट बट रहा था, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बट रही थी, करंट सेम था। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बट रही थी, करंट सेम था। पैरेलल कनेक्शन में करंट बट रहा है, पैरेलल कनेक्शन में करंट बट रहा है। तो आपको बातें समझ आ रही है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम था, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम है। यानी साफ साफ शब्दों में कहूं कि पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम टोटल रेजिस्टेंस इज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम। देख लो, घूर लो, मन में कोई सवाल बचा दो, आधा पूरा बवाल देख देख। हो सकता है कि कोई बातें नहीं समझ आ रही हो, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, बोलते बोलते सब क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहां देख लो कि चल क्या रहा है। आपको पता चलना चाहिए बच्चों कि ये पूरी डेरिवेशन को किस तरीके से किया गया है। थोड़ी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन जब भी आपको कोई डाउट आया आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल 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 रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ऐड करो आंसर रहेगा। एग्जांपल 4 ओम + 2 ओम + 3 ओम, 4 ओम 2 6, 6 + 3 9 काम खत्म। यही अगर 4 ओम 2 ओम 3 ओम पैरेलल में लगे होते तो भाई 1/r इन टोटल इज इक्वल टू 1/4 + 1/3 + 1/2। यानी पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड करने से नहीं आता, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड करने से नहीं आता, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड करने से नहीं आता। बिल्कुल सही, आपको समझ आना चाहिए चल क्या है। अब ये चीज अगर आपने लिख ली है, ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन। क्या सीखा अब तक। हमने दो चीजें सीखी। एक सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक सीखा पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस चीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन? रेजिस्टेंस का। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एंड टू एंड किसी भी रेजिस्टर्स को सेल से कनेक्ट करना, ये पता होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सबका राइट हैंड एक साथ और सबका लेफ्ट हैंड भी एक साथ एक किसी कॉमन सेल से। यहां पे सेम चीज थी, यहां पे वोल्टेज V1, यहां पे वोल्टेज V2 और यहां पे वोल्टेज V3, लेकिन यहां पे वोल्टेज कॉमन वोल्टेज सबकी। बातें समझ आ रही है? यहां रेजिस्टेंस R1, यहां रेजिस्टेंस R2, यहां रेजिस्टेंस R3, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, करंट I, ए बढ़ गया, तुझे I1, तुझे I2, तुझे I3 मिल गया, I आगे गया, लौट के भी आया। बातें समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आओ, क्या सीखना है? यहां सीखना है कि करंट रहता है सेम और वोल्टेज करती है डिफर। यहां क्या सीखना है? यहां सीखना है वोल्टेज रहती
डिपेंड करता है डिफर। ये समझना चाहिए, ये समझना चाहिए। आओ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आर वन है दो, आर टू है तीनों और आर थ्री है पांचों। तो नेट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, नेट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। समझ आना चाहिए। आइए, नेट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देख लो, घूर लो, मन में कोई सवाल मुझको पूछ लो। कैसे पूछना है? मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो 99 11 38 17 16। मन में आए सवाल फोन पे मचाए बवाल। मन में आए सवाल फोन मचाए बवाल। अब तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 2 ओम 3 ओम 5 ओम, 3 और 2 5 5 और 5 10 ओम। देख लो, समझ आना चाहिए। अब यहां पर इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। यहां पे करते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 1 अपॉन RP। इन कैल्शियम में 5 3 15 15 में 30 30 तो यहां है 1 इनटू 15 प्लस 1 इनटू 10 प्लस 1 इनटू 6 तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 15 प्लस 10 प्लस 6 बटा 30 1 upon resistance in parallel 15 10 25 25 6 31 31 बटा 30। तो 1 upon RP अगर 31 बटा 30 तो therefore RP is equal to 30 बटा 31। अगर RP 30 बटा 31 ओम है तो बताओ ये बड़ा है या छोटा है? अबे बहुत छोटा हो गया। 30 डिवाइड बाय 31 करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। यानी पैरेलल में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इतनी बड़ी थी लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई। सीरीज में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस छोटी थी लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई। क्या कंक्लूजन निकलता है? बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है भाई, जब चीजों को डायरेक्ट ऐड करोगे ना तो आंसर बढ़ेगा, जब चीजों को रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे तो आंसर घटेगा। मतलब यह कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है। मतलब यह कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है। इसलिए हम सीरीज कनेक्शन इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है, और पैरेलल कनेक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें टोटल रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है। ये कंक्लूजन है बच्चों, कंक्लूजन। और 1% मान लेते हैं कि आपको फिर भी कंक्लूजन है। हमने जो बताया वो तो कंफ्यूजन है, लेकिन मान लीजिए कि आपके जीवन में फिर भी कंफ्यूजन है तो भैया इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा ना उसमें मैं टिपिकली इसी टॉपिक को शुरुआत में थोड़ा सा रिपीट करते हुए न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तब जाके अच्छे से समझ आएगा, तब जाके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर होगा बच्चों, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी कि चल क्या है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, किसी ना बात से बिल्कुल है डरना है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, किसी भी बात से बिल्कुल ना डरना है, मेरी बात को फॉलो जो करना है। आप कुछ मत करिए, केवल और केवल वीडियो लेक्चर के अंदर बताई गई बातों को दिमाग में बिठाए रखिए तब तक जब तक अगला वीडियो लेक्चर आपके सामने नहीं आता और आपको चीजें समझ आ जाएंगी। दूसरी चीज क्या करनी है, इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, स्कूलमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, जिसके मर्जी आपके मन में आए उसके साथ शेयर करो भाई। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करो भाई, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वो भी करो भाई, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वो तो सबसे पहले करो भाई। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। वंस अगेन आपका मैं सदा से
7. Dr. Aman Sehgal, thank you once again. Love you all. Keep working hard. Keep taking care of yourself. Thank you.